अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम यासीन फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। वेलकम टू क्लास वन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 9। सी द आर्टिकल्स ए एंड एंड दी। आज हम पढ़ेंगे ए एंड दी के बारे में और इनका यूज़ किधर होता है और इनकी एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स। हम जो ए है वो यूज़ करते हैं वर्ड्स से पहले। दैट जो स्टार्ट होता है, शुरू होता है विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होता है वर्ड, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्सोनेंट जो लेटर हैं वो कौन से होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। उनमें है, पढ़े मेरे साथ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स Y एंड Z। ये जो लेटर्स हैं ये है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उनके साथ हम A लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ये देखें, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर। ये वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें, तो इनके साथ हमने A लगाएंगे। हमने A लगाया हुआ है, ये देखें आप, A टेबल, अ फिश, अ लेग, अ मैंगो, अ बॉय। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट जो लेटर हैं, कॉन्सोनेंट साउंड हैं, उनके साथ जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके साथ हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अ टेबल, अ फिश, अ लेग, अ मैंगो, अ बॉय। कम टू बुक, वी यूज़ एन, हम एन का इस्तेमाल करते हैं बिफोर वर्ड्स, उन अल्फाज से पहले। दैट जो स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं विद वोवल साउंड। वोवल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उनके साथ, उनसे पहले एन लगाते हैं। स्टूडेंट, यू कैन सी द कलरफुल पेज विद फ्लावर। इनमें जो ये वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इनको हम कहेंगे वोवल लेटर्स। ए ई आई ओ यू, ये कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट लेटर से अलग होते हैं। अल्फ़ाबेट में 5 ऐसे लेटर होते हैं जो वोवल होते हैं, जिनके साथ हम एन लगाते हैं। वो कौन से लेटर हैं? ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और जैसा कि इनके साथ एन लगेगा, जो वर्ड्स हैं वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो, तो उनके साथ हम, उनसे पहले, वर्ड से पहले हम एन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ऑनियन, यहाँ पे एन क्यों है, ये देखें, वोवल लेटर स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड जो है वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए एन। एन आइसक्रीम क्यों है एन, यहाँ पे वोवल लेटर है। एन एग, एन एयर, एन अम्ब्रेला। अब ये देखें, ओ आई ई ई यू, ये जो है वोवल लेटर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो वोवल लेटर हैं उनके साथ एन, और जो बाकी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के उनके साथ हम लगाएंगे ए। नेक्स्ट देखेंगे, वी यूज़ दी टू इंडिकेट। हम दी का यूज़ करते हैं निशानदही के लिए। अ पर्सन और थिंग, एक शख्स या चीज़ की निशानदही के लिए दी का इस्तेमाल करते हैं। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन, जो कि जिसका जिक्र पहले ही आ चुका है। और दी का यूज़ करते हैं पर्सन और थिंग इनकी निशानदेही के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, वी आल्सो यूज़ दी बिफोर सन, मून, अर्थ एट्सेट्रा। हम दी का इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जहाँ उनसे पहले, उन लेटर वर्ड से पहले भी करते हैं जो हैं ये वाले वर्ड्स, सन, मून, अर्थ और पर्टिकुलर नाउंस जो ख़ास हैं, ठीक है, ख़ास नाम हैं या उनके
सेंटेंसेस में। नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इनमें भी पर्टिकुलर नाउन आएंगे तो फिर हम उनके साथ भी दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर नाउन्स हैं और जो ग्रुप में हो चीज़ उनके साथ भी हम दी लगाएंगे। द होली बुक, द हॉर्सेस, द स्काई। अब जो हमने आर्टिकल सीख लिए हैं, जान लिया है उनके बारे में और उनको अब यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में जो कि नीचे दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। अ कंप्यूटर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है, ये वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए अ कंप्यूटर। अ बस, कॉन्सोनेंट लेटर अगेन, तो ए। एन एप्पल, क्यों यहाँ पे वोवल लेटर है तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, यूज़ द करेक्ट आर्टिकल। हमने करेक्ट आर्टिकल इन सेंटेंसेस के लिए करेक्ट आर्टिकल को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आई हैव डैश रेड पेन, मेरे पास रेड पेन है, यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा? ए आएगा, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो हमने यहाँ पे ए लिखना है। आई हैव अ रेड पेन, ठीक है, मेरे पास एक रेड पेन है। डैश डॉग, डॉग जो है कुत्ता है जो, इज़ बार्किंग, भौंक रहा है, इन द स्ट्रीट, गली में, जो कुत्ता है वो गली में भौंक रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर टी आएगा? यहाँ पे आएगा ए, अ डॉग, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्री, थर्ड जो सेंटेंस है वो देखेंगे। डैश लाइन इज डेंजरस एनिमल, जो लाइन है वो खतरनाक जानवर है, डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवर, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? द लाइन, जो लाइन है वो भी एक पर्टिकुलर नाउन है तो इसके साथ द लाइन इज अ डेंजरस एनिमल, जो लाइन है वो एक खतरनाक जानवर है। नेक्स्ट देखेंगे ही टेक्स, वो खाता है या लेता है? डैश टैबलेट डेली, टैबलेट डेली, ए आएगा, एन आएगा या डी आएगा? यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ही टेक्स अ टैबलेट डेली, वो जो है लड़का जो है वो एक एक टैबलेट लेता है रोज़ाना, दवाई, ठीक है, गोली। और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? डैश अर्थ इज़ राउंड, जो हमारी ज़मीन है वो गोल है ना, ग्लोब में देखें वो गोल होती है हमारी ज़मीन, ठीक है, ऐसे राउंड होती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगाएगा, कौन सा लगाएंगे हम, कौन सा आर्टिकल आएगा? वी आल्सो यूज़ दी, हम दी का यूज़ करते हैं, सन मून अर्थ, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ है, इसीलिए हम यहाँ पे दी लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी सॉ डैश एलिफेंट इन द जंगल, हमने एलिफेंट देखा जंगल में, हाथी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ये देखें ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है वोवल लेटर से, ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन, एन एलिफेंट। वी सॉ एन एलिफेंट इन द जंगल, हमने एक एलिफेंट देखा, हाथी देखा जंगल में। नेक्स्ट देखेंगे, My father bought, मेरे बाबा ने ख़रीदी a dash new car, dash new car, नई कार ख़रीदी, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं तो हम ए लगाएंगे। My father bought a new car, मेरे बाबा ने एक नई गाड़ी ख़रीदी। नेक्स्ट देखेंगे, Where is dash book which I gave you, वो बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी? आई गेव यू मतलब ये है पर्टिकुलर नाउन, इसको इम्पोर्टेंट, बुक को इम्पोर्टेंट बना दिया है आई गेव यू के, जो मैंने तुम्हें दी, तो इसीलिए इसके साथ हम दी लगाएंगे। वेयर इज़ द बुक विच आई गेव यू, कहाँ है वो बुक जो मैंने तुम्हें दी थी, उसके साथ हमने दी लगाया। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस नंबर 9, Have you done, क्या तुमने कर लिया? Dash work, work को अपना काम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, You done, जो तुमने किया, यहाँ पे particular noun है, खास है, तो यहाँ पे हम दी लगाएंगे।
हैव यू डन द वर्क, क्या तुमने काम कर लिया, ठीक है। वी गेट लाइट फ्रॉम सन, सन मून और अर्थ के साथ द का इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे दी, फ्रॉम द सन, ठीक है। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हम लाइट हासिल करते हैं या हमें लाइट देता है कौन, सूरज, सूरज से हम लाइट हासिल करते हैं। शी इज ईटिंग, वो खा रही है डैश आइसक्रीम। ये देखें वोवल लेटर, ये जो वर्ड है वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, यहाँ पे एन लगेगा, गुड एन लगाएंगे। नेक्स्ट शी इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम खा रही है। नेक्स्ट देखेंगे डैश स्काई इज़ ब्लू, स्काई जो है आसमान जो है वो नीला है, तो स्काई के साथ भी हम दी लगाएंगे, जैसा कि द मून द सन द अर्थ, ऐसे ही द स्काई। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, तो आपने इसको भी करना है ऐसे और आर्टिकल्स को समझना है कि ए एन और दी का यूज़ किस कौन से वर्ड के साथ आता है, ठीक है, किस वर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज बी, पिक एंड राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स, आपने इन वर्ड्स को पुट करना है, राइट करना है, और इन कॉलम जो है एन दी और ए वाले कॉलम में लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने लगी हूँ, ओवन ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये है वोवल लेटर, वोवल लेटर के साथ जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उनको हम लिखते हैं, उनसे पहले लिखते हैं एन, तो एन ओवन हो जाएगा। नेक्स्ट है टेबल, ये है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड, तो इसके साथ ए वाले ब्लॉक में हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है सन, सन तो इसको हम डी वाले ब्लॉक में लिख देंगे, द सन, ठीक है। आपने ये खुद करना है, ये आपका है होमवर्क, और आपने इसको अपनी बुक पे राइट करना है जैसे ये मैंने किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।